जय हिंद दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं और ये आयु संबंध से संबंधित सवाल है। ठीक है, आयु संबंध से संबंधित सवाल पे बात करेंगे। और आमतौर पर इसमें जिसको भी थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, और ये बड़ा इजी टॉपिक है ऐसे देखा जाए तो, और यदि नहीं है तो आज ये इजी हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिए, पहले से भी आप पढ़ रखे तो भी आप देखिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। और दोस्तों के साथ ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे लिखा होगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे ऑल पे, और वीडियो को लाइक करिए। चलिए शुरू करते हैं, देखिए इसमें बात करते हैं पहले हम लोग। और हाँ, इसमें हम लोग देखिए करना क्या होता है, देखिए हिंदी को आप गणित में बदलिए, अंकों में बदलिए। ठीक है, जो हिंदी में लिखी हुई शब्दावलियाँ हैं, सेंटेंस है, इसको आप अंकों में बदलिए और बस सवाल सॉल्व, ठीक है, बोर्ड मार्क्स से कर लीजिए। तो देखिए ये शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करते हैं, मैं आपको बिगनर मान के चलता हूँ। तो देखिए, चार भाइयों की आयु का योग 56 वर्ष है, ठीक है भाई, उनकी आयु का अंतर समान रूप से 4 वर्ष। पहला स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आप तुरंत मानने नहीं लग जाएंगे, ठीक है, पहले में वो कुछ कहेगा, एक स्टेटमेंट देगा, दूसरे में कंडीशन देगा, ठीक है, और तीसरे में पूछ लेता है आमतौर पे। तो देखिए, चार भाइयों की आयु का योग 56 वर्ष है, उनकी आयु का अंतर समान रूप से 4 वर्ष है, सबसे बड़े भाई की आयु क्या है। बड़ा इजी है, देखिए मान लेते हैं सबसे पहले भाई का उम्र जो है एक्स है, दूसरे वाले का 4 वर्ष का अंतर दिखा रहे, देखिए तो भाई एक्स प्लस 4 करेंगे ना, बड़ा ही तो है, फिर तीसरा उससे भी बड़ा है तो x प्लस क्या होगा, 4 और जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, और चौथा वाला सबसे बड़ा है तो x प्लस 8 में और 4 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा, समझ रहे हैं। बस अब क्या है, इन चारों को जोड़ लीजिए, चारों को जोड़ेंगे 56 के बराबर होगा। तो देखिए x प्लस 4 प्लस x प्लस 8 प्लस x प्लस 12 इक्वल टू 5 6। देखिए यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाते हैं, लेकिन यहाँ प्लस 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 ही है तो माइनस का कोई मतलब नहीं है, तो क्या फायदा फिर से एक बार खोलना पड़ेगा। 4x है तो 4x जोड़ लीजिए, और यहाँ पे देखिए 12 8 20 4 24, ठीक है, तो 24 घटाएंगे तो 24 घटा रहे थे, यहाँ पे 2 बच रहा है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 बच रहा है, यहाँ पे 3 बच रहा है, तो जो हमारा x होगा 8 आ जाएगा, तो x बराबर 8। और जो बड़े पुत्र की बात कर रहा है, तो देखिए बड़े पुत्र का x प्लस 12 है तो 8 प्लस 12 जोड़ेंगे ना, जोड़ लिए भाई 20 आ गया, तो करेक्ट आंसर घ हो जाएगा। कोई किसी का पूछ लेता तो आप बता लेते, ठीक है, तो ये तो इजी रहा। थोड़ा सा और आगे चलते हम लोग, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलकर 46 वर्ष होती है, 5 वर्ष पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी होती है। ऐसे कंडीशन में आप अलग अलग पिता और पुत्र की मानेंगे, है ना। देखिए मान लेते हैं, पूछा किसका है, पुत्र का, तो मान लेते हैं पुत्र ही, पुत्र का एक्स उम्र है और पिता की वाई। तो पहले समीकरण में क्या है, दोनों का योग जो है वर्तमान ही मानते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए वहां लिखना थोड़ी होता है, वर्तमान ही मानते हैं हम लोग, तो एक्स प्लस वाई बराबर 46 हो गया। चलो भाई ठीक है, 5 वर्ष और बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी हो जाएगी। तो देखिए दोनों में 5 वर्ष करेंगे ना यार, ध्यान से देखिए दोनों में 5 वर्ष करेंगे। तो यहाँ देखिए हम आगे आते हैं, देखिए ये है पुत्र, ये है पिताजी, दोनों में पूर्व करेंगे। एक चीज देख लेता हूँ, ये थी लिखा है लेकिन यहाँ पूर्व नहीं है, यहाँ पूर्व रहेगा, पूर्व थी है तो पूर्व ही होगा, ठीक है, पूर्व तो माइनस करेंगे, जब पूर्व होता है तो माइनस कहते हैं, और यदि बाद होता है, जैसे ये बाद है तो यहाँ पे हम प्लस कर लेंगे बाद में, ठीक है, तो क्या करेंगे, पूर्व कह रहा है तो माइनस कर रहे हैं, दोनों की उम्र में माइनस। पुत्र की हम लोगों ने एक्स मानी हुई थी, पिता की वाई मानी हुई थी, तो पिता की उम्र 5 वर्ष पहले, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 11 गुनी है, तो किसके उम्र के, पुत्र के उम्र की 11 गुनी, गुनी मतलब गुणा, सॉरी ये पुत्र है ये पिता, अब दोनों का पलड़ा भारी है, सॉरी बराबर है, यदि आप 11 गुना बराबर नहीं करेंगे तो ये पलड़ा नीचे, सॉरी ये ऊपर चला जाएगा, ये भारी नीचे आ जाएगा, पिता की उम्र का पलड़ा। तो कुल मिला के उस 11 गुने को हम इधर रख दें,
तो वो बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, या इधर बटे बटे वाला ध्यान मत रखा करें, ठीक है। तो पिता की उम्र 5 वर्ष पूर्व पुत्र के उम्र की मतलब गुणा 11 वर्ष है, 11 गुनी है। अब इसको गुणा करा लीजिए, 11x-55 = y-5, इधर भेज लीजिए भाई, 11x-y इधर आ गया, -5 इधर था, उधर चला गया प्लस का 55, घट गया प्लस का 50 आ गया, 11x-y। ये ध्यान दीजिए, इसको भी हम लोग उधर सॉल्व करेंगे या यहीं सॉल्व कर लेते हैं। वहां क्या था हम लोग पास, वहां था दोनों की उम्र का 46 वर्ष है, तो दोनों का यहाँ पे x के टर्म में है, तो पहले हम x और y दोनों को मान लेते हैं कितना 46 वर्ष है। इसको विलोपन विधि हम कहते हैं, विलोपन विधि सॉल्व करते हैं हम लोग को। आमतौर पे देखिए ये जो है चिन्ह अपोजिट हो गया है, और लेकिन हम लोग को चिन्ह बदल के काटना था, ये थोड़ा सा हम लोग यहाँ फंसते नजर आ रहे हैं। देखिए क्या है, अगर इसी समीकरण को अभी मैं इसको भी सॉल्व करूंगा, ऐसे बता रहा हूँ, जैसे हम वहाँ y-x = 46 मैंने लिखा हुआ था और यहाँ पे हम लोगों का आ गया इतना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y-11x = -50। चिन्ह बदलेंगे जरूर, चिन्ह बदलते हैं ना तो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। और लेकिन अभी देखिए यहाँ पे अब कैसे, ये चिन्ह बदलेंगे, प्लस माइनस कट गया, ये चिन्ह बदलेंगे जुड़ जाएगा 12x, और ये चिन्ह बदलेंगे तो ये भी जुड़ जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, तो 12×8=96, जो पुत्र की उम्र है 8 वर्ष है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगाते हैं हम लोग बिना चिन्ह बदले, चिन्ह बदलते हैं क्योंकि ये चिन्ह बदला सा है, कट गया तो 12x आ गया ऐसे ही, इसको जोड़ लेते हैं तो 96, तो 12×8=96, यानी कि आप देख पा रहे हैं x = 8। तो इस तरीके से आप किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और आमतौर पे गलत नहीं होता, सिचुएशन कुछ गड़बड़ हो जाए तो गलत होने की प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन ऐसे कुछ गलती नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 5 वर्ष बाद, अरे यार आ तो थोड़ी गया, पुत्र का एक्स था तो अभी आया थोड़ी है, तो 8 आया था हम लोग पास, 8+5 जोड़ेंगे तो 13 वर्ष होगा ना, 5 वर्ष बाद, तो अर्थात आंसर क्या हो जाएगा, 13 वर्ष। यदि यहीं कहीं 8 ऑप्शन दे देता तो भी एक कन्फ्यूजन का विषय होता। अच्छा, इससे और ज़्यादा आगे स्पष्ट तरीके से हम लोग समझते हैं, और ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दो, अब जैसे जब किसी पे आधारित होने लगे तो आमतौर पे एक ही वेरिएशन मान लेते हैं हम लोग, एक्स या वाई कोई भी मानना हो, मान लीजिए जैसे सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दोगुनी है, तो किरण की हम लोग मान लेना, किरण की कितनी हो जाएगी एक्स, और जो सुरेश की है वो किरण के उम्र से यानी कि इसी के उम्र से दोगुनी है, तो की दोगुनी गुड़ा गुनी, ठीक है, की दोगुनी है, उसी की दोगुनी है, ठीक है। यदि दोनों के उम्र का जोड़ 24 है, यानी कि दोनों का उम्र क्या है, एक का x है और दूसरे का 2x है, दोनों का उम्र का योग जो है 24 है, अर्थात 3x, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं x = 8, बड़ा x = 18 भाई। हाँ, तो सुरेश की उम्र बताइए, ये तो सुरेश की पूछ लिया ना, ये तो किरण का है, तो 8×16 हो जाएगा, करेक्ट आंसर का सुरेश का उम्र 16 वर्ष हो जाएगा, समझ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए मुद्दा यह कि x और 2x मान लिए, कैसे मान लिए यह समझने की जरूरत होती है। देखिए सुरेश की उम्र किरण की उम्र की, यहाँ पे देखिए किरण की उम्र की दोगुनी है ना, तो किरण की हम कुछ मान लें और उसी का की के यानी गुणा होता है का 2×4×, जो भी कह रहे से, तो भी हम उस तरीके से मतलब उसी का गुणा मान लेते हैं, और फिर नेक्स्ट कंडीशन ऐसे दे रहा है, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, तो करेक्ट आंसर तो इसका आ ही गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, और नेक्स्ट को देखते हैं, पिता की उम्र बेटे की उम्र के साथ गुनी है ना, तो बेटे की उम्र का देखिए किसी पे डिपेंड करके कहने लगे, और फिर उसके बाद देखिए 4 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग 56 वर्ष हो जाएगा, 4 वर्ष बाद, तो यहाँ पे हम लोग इसको पुत्र को डिपेंड करके मतलब मान लें, जो सन होगा उसका एक्स मान लेते हैं, तो जो फादर जी हो जाएंगे
उनका हम लोग क्या मान लें, 7x, क्योंकि भाई पिता की उम्र जो है बेटे की उम्र की ना, तो बेटे की उम्र की कितनी है, 7 गुनी, तो 7 से गुणा करा देंगे, 7 गुनी। बस 4 वर्ष बाद दोनों की उम्र का योग, यानी कि दोनों का योग करने के लिए कह रहा है ना, इसीलिए समावेश रूप से दोनों का योग। देखिए एक का तो एक्स है और दूसरे का 7x है, लेकिन अभी नहीं बराबर है, क्योंकि ये साफ साफ कह रहा है कि 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष इसमें भी बात करेंगे, 4 वर्ष इसमें भी बात करेंगे, बाद मतलब जोड़ेंगे, अर्थात 8 वर्ष, 4 प्लस 4 यानी कि 8 वर्ष, 8 वर्ष उधर भेज देंगे। मैं बोल रहा हूं तो आप समझ गए होंगे, यहां जोड़ लेंगे 8x, घटा लेते हैं, घटाएंगे तो हम लोग पास 48 बच गया, और देख रहे हैं 8 6 48, x बराबर 6। अब पूछा क्या था, वो पुत्र की वर्तमान आयु पूछा था, तो ठीक है ना, वर्तमान आयु ख आ गया, क्या प्रॉब्लम है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ख हो जाएगा, 6 वर्ष। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, उसके बाद भी एक दो पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे हम लोग, ध्यान से समझिए और थोड़ा सा व्यापक होने होने वाला सवाल ये। एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है, अधिक यदि ऐसा कुछ मानने लगे तो, ये देखिए ये वर्ष है, गड़बड़ हो जा रहा है, तो हम किसी एक की मान लेते, तो आमतौर पे माइनस वाला मत माना करिए, लड़के का मान लीजिए तो प्लस करना होगा, तो लड़के का कितना है, एक्स है, तो पिताजी की क्या हो जाएगी, 24 वर्ष अधिक है, 24 वर्ष अधिक है अपने लड़के से, तो एक्स से अधिक, अधिक मतलब जोड़ेंगे, 24 वर्ष अधिक है, ठीक है, ऐसे तो 2 वर्ष में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी, 2 वर्ष में, यानी कि वो 2 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो जो उसकी उम्र है वो लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी, तो भाई ऐसा अगर कह रहा है तो यहां पे एक्स मानना ठीक नहीं है, ठीक है, यहां पे एक्स वाई मान लेंगे, तो चलिए मैं यहां पे मान लेता हूं। देखिए यहां पे लड़के का जो सन होगा उसका क्या है, एक्स है और फादर का वाई है, लेकिन जब इस समीकरण को बराबर करेंगे तो ये कह रहा है कि जो एक आदमी है उसकी उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है, तो यहां समीकरण अगर बनाए हम लोग एक्स बराबर वाई, तो वाई बराबर अभी हो नहीं रहा है, क्योंकि ये जो है 24 वर्ष ज्यादा है ना अपने लड़के से, तो यदि या तो इधर ज्यादा में वाले में से उतना घटा लें तो बराबर हो जाएगा तराजू, या तो जो कम है उधर उतना रख दिया जाए तो भी तराजू बराबर हो जाएगा, समझ रहे हैं, एक समीकरण ये हो गई। अगली जो है 2 वर्ष में उनकी उम्र लड़के की उम्र की दोगुनी हो जाती है, ठीक है, सॉरी वर्तमान ही मान रखे थे हम लोग, अगले वर्ष, अगले 2 वर्ष में, प्लस टू दोनों में करेंगे, अगले 2 वर्ष में इसकी उम्र जो है लड़के की उम्र की दोगुनी हो जाएगी, तो भाई इसकी दोगुनी ज्यादा है ना, तो किसके किससे ज्यादा है, इस लड़के से, तो उसी लड़के की उम्र की दोगुनी हो जाएगी, समझ पा रहे हैं? तो अब देखिए 2x+4 बराबर y+2, तो एक तरफ ले आते हैं 2x-y बराबर इधर चला जाएगा, तो माइनस का 2 बचेगा, और उधर हम लोग पास कितना था, पहले भी तो था, पहले क्या था, देखिए x+24 बराबर y है, तो इसको एक तरफ ले आइए तो हो जाएगा x-y बराबर माइनस का 24, तो x-y बराबर माइनस का 24। अब पहले इसको सॉल्व कर लेते, फिर देखेंगे हम लोग वो क्या कह रहा था। तो यहाँ पे देखिए चिन्ह ऐसा कुछ लग रहा है, चिन्ह बदलना पड़ेगा, तो चिन्ह बदल लीजिए तभी कटेगा, चिन्ह बदल लेते हैं, तो ये प्लस माइनस का कट जाएगा, ये प्लस माइनस का घट जाएगा, तो सिर्फ प्लस का x बचेगा, ये घटेगा तो प्लस का 22 बचेगा, यानी कि जो x बराबर है 22 आ गया है। अब x किसका मान रखे हम लोग, शायद लड़के का, ठीक है, तो लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, लड़के की एक्स माने तो वर्तमान आयु उसका 22 वर्ष आ गया, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए जो कह रहा ना उसी को जो कह रहा वो करते जाइए, ऐसे वाले सवालों में बहुत आसान होता है, इजी होता है, तो इस तरीके से आपका सारा सवाल लग जाएगा। अभी आपको नेक्स्ट
और भी एक दो वीडियो उसके आएंगे, इसका पार्ट वन ही है। और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल लगा हो वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लिए, जिससे आपको मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।